नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम रहता है लाइव फोन इन, और जो भी विषय हम लेकर आते हैं उस पर आप हमारे एक्सपर्ट से सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी आपकी जिज्ञासाएँ होती हैं उन्हें पूछ सकते हैं। हमारा आज का विषय है एकीकृत राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना। इस योजना के बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से, और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इस विषय को लेकर तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें। हमारे आज के मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर HS बवेजा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मार्केटिंग बोर्ड शिमला में, और हमारा आज का विषय है एकीकृत राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना। तो दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी से लेकर। हमारे दूरभाष नंबर हैं 2800-0177 और हमारा दूसरा नंबर है 2800-0178। कृपया कोड अवश्य लगाएं 0177। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। और जैसा कि आप अक्सर जब भी आते हैं तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं, और आज का विषय भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय एकीकृत कृषि मंडी योजना जी। इसके बारे में हम आपसे पूरे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक नई योजना है जिसके बारे में हमारी ही तरह हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक हैं। कृपया बताएं। ऐसा था कि जो एक राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की योजना काफ़ी टाइम से चली हुई थी जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है इसका जो शुभारंभ था वो 14 अप्रैल को दिल्ली से किया। पहले वो मध्य प्रदेश से प्लान थी, बट एनी हाउ उसका जो शुभारंभ था वो दिल्ली से किया गया। पूरे देश की इसको फेज मैनर्स में जो है वो बांटा गया है जी। फेज मैनर्स की जब तक हम बात करें तो फेज मैनर में जो है वो फर्स्ट फेज में जो है जो 14 अप्रैल को जो फेज वन शुरू हुआ है उसमें पूरे हिंदुस्तान की 21 मंडियों को सिलेक्ट किया गया। 21 मंडियों में से दो मंडियें हिमाचल प्रदेश को मिली हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है हिमाचल के लिए, क्योंकि बहुत छोटी सी स्टेट और 21 मंडियों में से दो मंडियें मिलना हमारे लिए अपने आप में गौरव की बात है जी। अब बात आई 21 मंडियों की, और इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया जी। योजना बहुत अच्छी है। इसको अभी जो राष्ट्रीय बाजार, कृषि बाजार जो इसकी हम बात कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होगा। आने वाले समय में 585 मंडियें देश की इससे जुड़ेंगी हमारी। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो है वो फर्स्ट फेज जो था, वो फर्स्ट फेज जो शुरू किया गया वो नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए था जी। नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स में मैक्सिमम जो आपकी क्रॉप्स हैं, जैसे आपका वीट हो गया, गेहूं होगी, मक्की होगी, राइस हो गया, इस टाइप की जो क्रॉप्स थी उनको जो था वो फर्स्ट फेज में लिया गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कुछ आदेश ऐसे थे कि भी एप्पल को जो है वो जोड़ा जाए, और ये जो एक्साइज थी माननीय मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2014 में इसका शुभारंभ कुल्लू से किया था जी। पहली मंडी ऑनलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज राष्ट्रीय मंडियों की बात हम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका जो शुभारंभ था वो अक्टूबर 8 अक्टूबर 2014 को कुल्लू से शुरू किया था। काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज हुई। हमारे वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उपमा चौधरी को भी निर्देश दिए गए, उन्होंने सेंटर में इस मुद्दे को उठाया भाई पेरिशेबल क्रॉप्स को भी ऐड किया जाए फर्स्ट फेज में, क्योंकि फर्स्ट फेज में एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हो। तो वैसे हमारी एप्पल की जो क्रॉप है वो अभी अभी तो लेट आनी है, जुलाई में आनी है, तो केंद्र सरकार ने हमारे को इस क्रॉप, इसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जोड़ने से पहले हमारे को जो है वो पीज के लिए, मटर के लिए अलाउ किया जी। ट्रायल बेसिस पे काम चला हुआ है, इसके प्लस क्या हैं, माइनस क्या हैं, वो सारी चीजें आएंगी। लोगों में भ्रांति भी बड़ी अलग अलग तरीके से फैलाई जा रही है फार्मर्स के मन में खासतौर से, लेकिन निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है फार्मर्स को, खासतौर से फार्मर्स को। कैसे बेनिफिट होगा इसका, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार की, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होगा। क्या यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पूरा देश मंडियों से जुड़ा हुआ है, अलग अलग राज्य के अलग अलग मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर आप देखें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में निकलते हैं तो वो जो है वो फी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बिल्कुल। कहीं पे आपने देखा होगा हिमाचल में ही पीछे हमने कितना वो इसको फ्लेयर अप किया था, मैटर जो हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री के जब उन्होंने बीच में इंटरवीन किया तो वो सारा कंट्रोल आया, क्योंकि सिस्टम बहुत पहले से डेवलप हो चुके हैं। गुंडा टैक्स है, जिसका जो दिल करता है, कोई ट्रक यूनियन पैसे ले रही है,
कोई पता नहीं किस किस नाम के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कई सारी खामियां देखने में आती थी और कई जो किसान हैं वो सफर भी करते थे इस तरह की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ये बहुत जरूरी था कि इस तरह से एक संगठित होकर एक बाजार की स्थापना की जाए। जैसा आपने बताया, ये वाकई में बड़े फख्र की बात है कि 21 मंडियों में से 2 मंडियां हिमाचल को मिली हैं और काफी अच्छे प्रयास रहे हैं इस दिशा में। अब आपने बात की है कि इससे किसान कैसे जुड़ेंगे और उन्हें सीधा सीधा कौन सा फायदा होने वाला है? देखिए, हमारा जो किसान है, किसान बागवान जो हमारे हैं, वो बड़े स्मॉल होल्डिंग्स उनके पास हैं। कोई जैसे अभी हमने मटर के केसेस में देखा, मटर के केसेस में जो था वो कोई 20 बोरियां लेके आ रहा है, कोई 10 लेके आ रहा है, कोई 8 लेके आ रहा है। अल्टीमेटली अभी हमारे व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है मंडियों में, बैठेंगे वैसे ही चलेगा सिस्टम। अल्टीमेटली जब एक ह्यूज क्वांटिटी इकट्ठी हो जाएगी तो हम पूरा डिस्प्ले करेंगे सिस्टम को, होगा क्या प्रोड्यूस आई एक, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए, वो हम उसके पैरामीटर्स जो है, क्वालिटी पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, केमिकल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, हम अपनी मंडियों में लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो जो लेबोरेटरी है वो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी होगी, मतलब थर्ड पार्टी उसको हैंडल करेगी, ना तो मार्केटिंग कमेटी का कोई रोल होगा उसमें, काम वहीं होगा, हाँ, वहीं पे नहीं, उसका हम जो है वो एक सर्टिफिकेट देगी। अच्छा, भी सबसे बड़ी इस जो योजना की जो एक सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि इसमें जो रेट है वो मिनिमम रेट जो है वो एपीएमसी फिक्स करेगी, भाई इस प्रोड्यूस का रेट कितना होना चाहिए, वो एपीएमसी फिक्स करेगी मिनिमम बोली। आपके प्रोड्यूस आ गई वेब कैमरे पे, वो प्रोड्यूस सामने नजर आ रही है और नीचे हमारी मंडियों में जो है खूब बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और मंडियों के थ्रू ही बोली हो रही है। मीन्स अभी हमने बात की राष्ट्रीय कृषि बाजार, फिर मैंने अभी आपको बोला कि 585 या 587 मंडियें पूरे हिंदुस्तान की जुड़ रही हैं। मीन्स पूरी कमेटी है, जितनी भी मार्केटिंग कमेटीज हैं या जहां पे भी एपीएमसीज हैं, जहां पे भी कृषि उपज मंडियां हैं पूरे देश में, वो एक हो जाएंगी। मीन्स कि उन मंडियों के थ्रू ही व्यापार होगा। अगर कहीं अभी फर्स्ट फेज है, ट्रायल है, फॉरेन कंट्री में नो डाउट बड़े चलता यही मेथड है, ये मेथड तो चलते नहीं क्योंकि आपने देखा होगा फार्मर बेचारा नो डाउट बड़ी कोशिश कर रहे हैं, काफी टाइम से कोशिश चली हुई है, लेकिन फार्मर्स के साथ चीटिंग तो होती है, ये तो मानना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि फार्मर अपनी प्रोड्यूस ले आया, फार्मर प्रोड्यूस लाने के बाद हम एग्रीगेटर्स बनाएंगे या एक व्यापारी आएगा वो इकट्ठा कर लेगा माल को, लेकिन वो व्यापारी जो है किसान की मौजूदगी में ही जो है वो प्राइस फिक्स होगा। ये नहीं कि व्यापारी अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स कर देगा, पूरे देश में जो है वो मंडियों के थ्रू जो है, ऑनलाइन के थ्रू जो है इसका प्राइस फिक्स होगा। जब इसका प्राइस फिक्स होगा, हमारा फार्मर बोलेगा कि हाँ भाई आई एम रेडी जी, मैं मेरे को ये रेट जो है मैं ठीक है, मैं इस रेट से बेच रहा हूँ। अब क्या होगा, पहले हम सुनते थे जी है भी, प्रैक्टिकली देखा हमने पीछे कई एग्जांपल्स आए ऐसे, 5 रुपए कहीं कट रहे हैं, 10 रुपए कहीं कट रहे हैं, 20 रुपए कहीं कट रहे हैं। इसमें क्या होगा कि 1%, क्योंकि हमारा प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे मार्केट फीस वेजिटेबल एंड फूड से भी खत्म हो चुकी है, एक्सेप्ट एप्पल। अगर एप्पल हमने इसलिए रखा हुआ है कि हम जो पूरा जो हमारी फीस आती है या यूजर चार्जेस जो आ रहे हैं वो मंडियों में डेवलपमेंट में लग रहे हैं, नई नई मंडियां खुल रही हैं, जिस योजना की बात कर रहे हैं हाईटेक भी हो रही है, हाईटेक भी हो रही है, ठीक है, केंद्र सरकार की एक नई पॉलिसी आई, नई योजना आई, हमने शुरुआत की, लेकिन इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया आपको पहले से हो चुकी है, 2014 से हो चुकी है। फिर हमने अपने पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए एक नेबार की एक सिस्टर कंसर्न है नैपकॉन, उससे स्टडी करवाया सीजन में जो है, हमने उसको नैपकॉन एजेंसी को हमारे इंप्लॉयज के साथ नैपकॉन एजेंसी मंडियों में गई कैसे होना चाहिए, क्योंकि प्लेन्स के साथ हमारी मंडियां टोटली डिफरेंट है, वहां अगर आप देखें वहां तो किलोमीटर्स में एरियाज हैं, हमारी लैंड होल्डिंग्स भी कम है, मंडियों की भी कम है और ओवरऑल वैसे भी कम है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसको सारे को देखते हुए हमने एक नेबार्ड से नैपकॉन से एक स्टडी करवाई, उसके रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के साथ साथ मैंने आपको बताया कि भी गौरव की बात है, वाकई में 21 में से 2 मंडियां हमारे को मिली क्योंकि हम पहले से तैयार थे। उसके बाद हमने फिर केंद्र सरकार से जो है, राज्य सरकार ने मुद्दा उठाया कि हमारे को ज्यादा मंडियां मिले और केंद्र सरकार ने हमारे को 19 मंडियां और दे दी। सेकेंड फेज में 30 सितंबर तक जो है, पहले बोला गया था कि 90 मंडियां हैं, अब सुनने में आया 200 मंडियां हैं जिसमें से 19 मंडियां फिर हमारी हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरी वेजिटेबल्स, पूरे फ्रूट्स आने वाले टाइम में इसमें सिर्फ एप्पल को शामिल किया गया है, एप्पल को शामिल किया गया है, बाकी फसलों का कुछ आगे किया जाएगा। हमारे 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 वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 9 तारीख को उनकी मीटिंग है दिल्ली में,
बहुत मतलब अग्रेसिवली हम लोग जो है इसको मैटर को टेकअप कर रहे हैं. अभी लहसुन का सीजन आने वाला है. बिल्कुल. कैन यू इमेजिन कि हमने अभी एक स्टडी की, वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक का एक क्वेश्चन था कि भी डिस्टेंट जो मार्केट्स हैं उसकी भी स्टडी होनी चाहिए. तो तुरंत हमारे को सरकार ने जो है वो भेजा कि स्टडी करके आओ. तो हम तमिलनाडु गए. तमिलनाडु में वडगापट्टी एक जगह है जहां पे पूरे हिंदुस्तान का लहसुन इकट्ठा होता है. और जब हमारा सीजन चलता है तो हमारे यहाँ पे रेट जो है फार्मर्स को मैक्सिमम 50-60 तक चले जाते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं 50-60 रुपए किलो मिल गया. तो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली. उसमें भी अगर आप देखें तो पता नहीं कितने किस्म की कटौतियां आ जाती हैं नंबर दो की जो चली हुई है. कोशिश कर रहे हैं रोकने की पर फिर भी चली हुई है. हमने वडगापट्टी में जो देखा, हमारा जो सीजन होता है वो ऑफ सीजन होता है. मई जून में आपने देखा होगा कितनी गर्मी होती है नीचे. वो नीचे कोई भी चीज जो है मई जून में होना मतलब संभव नहीं है, बहुत गर्मी होती है. हमारी क्रॉप यहां से चलती है और वहां पे नीचे जो रेट है उसका तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में जो रेट है हमारे लहसुन का वो 250 रुपए किलो होता है. अब आप हिसाब लगाओ कि अगर हमारे ये जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं जी. तो जिसने तमिलनाडु में किसी ने खरीदना है, कितने बैरियर्स हैं जी, रास्ते में फीसें कई किस्म की कट रही है, कई किस्म जगह पे बढ़ता जाता है. हाँ, तो अब क्या होगा कि यहाँ 1% लहसुन में तो सिर्फ फ्यूचर चार्जेस है हमारे, फीस है ही नहीं. अब क्या होगा कि वो 1% है. अब वो 1% यहाँ पे कट गई तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी कहीं फीस नहीं कटेगी जी. और ये बहुत राहत वाली बात है किसानों के लिए, किसानों के लिए और कंज्यूमर के लिए जी. क्योंकि कंज्यूमर जो है वो बेचारा 250 रुपए किलो अगर तमिलनाडु में खरीद रहा है जी. वो बीच वाला जो सिस्टम है वो सारा खत्म हो रहा है. तो अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो किसान बागवान को भी है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी. सर, बीच वाले इंसान की बात आपने की है, तो बिचौलियों के कारण अक्सर कई तरह की समस्याएं आती हैं. तो इन बिचौलियों के अलावा अगर कोई और आम आदमी या कोई और फार्मर इसमें अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो उनके लिए क्या प्रावधान है? अभी 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 हमारा जो है अपने 4 सेक्टर्स को, मैं सेक्टरी हमारा कुल्लू वाले हैं, एक बिलासपुर का सेक्टरी है, एक सोलन का सेक्टरी है, एक शिमला का सेक्टरी है. इन 4 सेक्टर्स को मैं, एक मनेज इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, एक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर मैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ. ये अक्सर हम FPO सुनते हैं, शायद ये वही है. यस, वही तो है. इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बता दीजिए. मैं अपने 4 सेक्टर्स को जो है हैदराबाद भेज रहा हूँ ताकि वो ट्रेनिंग लेके आए. अच्छा. अभी जो उनकी ट्रेनिंग है वो 9 तारीख से शुरू है. ये 9 मई की बात कर रहा हूँ मैं आपसे. 9 से 14 का उनका प्रोग्राम है. उनको मैंने बोला बड़े ध्यान से जो लिटरेचर है वो भी लेके आएंगे और जो सॉफ्ट कॉपीज है वो भी लेके आएंगे जी. क्योंकि मनेज ने बड़ा अच्छा काम किया हैदराबाद, मनेज ने बहुत अच्छा काम किया इस लाइन पे. अभी हमने जैसे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ 17 से लेके 19 तक हमने हर पंचायत में जो है फार्मर्स को ट्रेन करने की कोशिश की जी. इसके अलावा जहाँ पे जैसे लहसुन की बात कर रहा हूँ तो लहसुन में अभी राजगढ़ के एरिया में या सोलन की सराउंडिंग्स में जहाँ लहसुन काफी दोनों फसलें, तो हमारी कोशिश है कि लहसुन जैसे एप्पल की बात कर रहे हैं हम, तो लहसुन हमारा, हमारी कोशिश है कि लहसुन ऐड हो जाएगा. उससे क्या होगा कि यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इकट्ठा कर दिया ना, पूरे देश को इकट्ठा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बन गया पूरा देश. ऐसे ही हमारी पंचायतों को, हमारी पूरा मतलब पूरे एक नगर को और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को इकट्ठा होना पड़ेगा. अल्टीमेटली बात आती है ह्यूज प्रोड्यूस की, भाई काफी क्वांटिटी होनी चाहिए. अब कोई आपसे 20 किलो तो लेगा नहीं. बिल्कुल. और 20 किलो अगर आप भेजेंगे भी तो आपका तो ट्रांसपोर्टेशन पता नहीं कितना लग जाएगा उसमें. मीन्स हमारी जब FPOs बनेंगी, हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होंगी या ग्रुप बनेंगे या कोऑपरेटिव्स आएंगी, अल्टीमेटली कोऑपरेटिव्स आएंगी, एग्रीगेटर्स आएंगे, तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा जी. इसका इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि फार्मर, जब तक फार्मर कहता जी मैंने नहीं बेचना 20 रुपए किलो, तो उस बोली को कैंसिल कर दिया जाएगा जी. वो नए सिरे से शुरू होगी, फिर हम टाइम फिक्स करेंगे, टाइमिंग होगा इसमें. मैं कहता भाई हाँ जी ये टाइम होना चाहिए इसका, उसी टाइम पे जो है उसकी बोली होगी, पूरे नेशन में पता होगा कि भी आज लहसुन की बोली इतने बजे शुरू हो रही है. होगी मंडियों के थ्रू ये जी. अभी फर्स्ट फेज सेकंड फेज ट्रायल चला हुआ ना, ट्रायल है, इसमें कोई कमी आएगी को पता लगेगा अभी कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए. बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हमारे पास भी आते रहे. मैंने बताया आपको 2014 से लगातार कोशिश चली हुई है, तो आज अगर हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो मतलब नो डाउट माननीय वीरभद्र सिंह जी को इसका क्रेडिट जाता है, जो हमारे को मतलब ये पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मेरे को कृषि विपणन क्रांति, ताकि पूरा देश हमारे को फॉलो करे और जो कंज्यूमर इतना पे कर रहा है, मंडी से बाहर निकलते ही आप देखो 4 गुना रेट हो जाता है.
कहीं कंट्रोल ही नहीं है उसका, दूर दूर जाएगा तब तो पता नहीं क्या होगा। मंडी में हमारे 25 रुपए किलो टमाटर अगर बिका तो फार्मर सोचता है कि मैंने पता नहीं कितना कमा लिया। जिस दिन 25 रुपए मंडी में टमाटर होता है तो कंज्यूमर को 100 रुपए किलो मिलता है। तो अल्टीमेटली यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म से जो है ये सारी समस्याओं का समाधान होगा और प्रदेश जो है वो 19 मंडियां जैसे हम बोल रहे हैं आपको वो सितंबर तक जुड़ जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल भी हो चुकी है, 11,047 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें से 150 करोड़ रुपए फिर मार्केटिंग बोर्ड को मिल रहे हैं जी। अभी तक हमने शायद अपनी अभी तक टिल डेट जो इन्वेस्टमेंट है वो 130 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट है हमारी, हमने जो मंडियां बनाई है। सर लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि एक आम किसान अगर इनसे जुड़ता है तो उन तक ये एक क्योंकि योजना नई है और जब भी कुछ नया किया जाता है तो कई सारी भ्रांतियां धारणाएं जैसे आपने बताया तो किसानों को जागरूक करने के लिए खासकर इस योजना के विषय में क्या क्या किया जा रहा है? हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कैंप्स लगाने की, रेडियो की भी कोशिश कर रहे हैं हेल्प लेने की, दूरदर्शन की भी कोशिश करेंगे एड दे और जाके पंचायतों में जाके हमने अपने ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई है हम उनको जागरूक करें ताकि उनको एकदम सरल भाषा में पता लग जाए, बिल्कुल पास में बिठाकर उन्हें बताया जाए। मंडियों में भी कोशिश कर रहे हैं कि टीवी के थ्रू जो है एक हमने कैसेट बनाई हुई है वहाँ हम टीवी के जरिए जो है क्योंकि फार्मर आता है वहाँ पे, जो फार्मर आता है हमारा किसान बागवान तो वो देखे उसको पता लगे की योजना क्या है तो डेफिनेटली किसानों को जो है इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। जी, अब हम रुख करते हैं अपने एक और खूबसूरत इलाके की तरफ किन्नौर की बात करते हैं। हाँ जी, किन्नौर का सेब जो है वो बहुत ही उम्दा है जी, तो वहाँ पर भी मंडियां जो चलाई जाएंगी या क्या कुछ किया जाएगा? देखिए टापरी में हम मंडी बना रहे हैं और टापरी की जो मंडी थी वो सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी और टापरी में मंडी इस सीजन में शुरू हो जाएगी जी, क्योंकि इतना दूर से और अपने प्रोड्यूस को लेकर आना बहुत कठिन काम होता है। हाँ जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक हमारी TOR होती है और वो मतलब एक हमने टेंडर निकालना है जी। तो वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल के लिए वो गया हुआ है मोस्टली आज या कल वो हमारे को आ जाना है। पूरा प्रदेश ऑनलाइन हो रहा है इंक्लूडिंग टापरी, तो होपफुली जो ये सीजन आएगा वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ पूरे देशवासी जो है हमारे वो एप्पल जो है ना वो स्टोर्ड एप्पल खाते हैं जी, कोल्ड स्टोरेज वो इकट्ठा रहता है। एप्पल जो है किसी को पता ही नहीं कि एप्पल होता गया है रियलिटी में, एप्पल जिनके अपने बगीचे हैं शायद वो उनको तोड़ कर खाते हैं। डेफिनेटली आप एप्पल खाएंगे जब तक एप्पल आप खाते हैं और आप जब उसके आप उसको चक मारते हैं तो आपकी जब तक बूंदे गालों पे ना गिरे तब तक वो एप्पल खाया नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर बूंदे वो आपकी नहीं गिरी तो उसका मतलब कोल्ड स्टोर एप्पल है जी, वो क्योंकि होता गया है कि होता गया है कि अक्सर सेब जाता है मार्केट में कोल्ड स्टोर में चला जाता है, कंज्यूमर को पता ही नहीं बेचारे को भी एप्पल है क्या। तो अल्टीमेटली अगर ये ऑनलाइन मंडीज की बात कर रहे हैं तो जब ये जाएंगी प्रदेश में और देश में पता लगेगा इसके बारे में, जैसे टॉपिक आज बड़ा अच्छा टॉपिक रखा गया है तो डेफिनेटली लोगों को जानकारी मिलेगी और बहुत आने वाले समय में जो है इसका बेनिफिट होने वाला है। एक हमने और सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, हम एक रिटेल का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, शायद इसी महीने जो है हम एक रिटेल का सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया कि इनका एक सपना है कि मैं जो है वो कोई ऐसी कृषि विपणन क्रांति आए कि मेरे कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो और मेरे फार्मर्स को भी बेनिफिट हो। तो बहुत जल्दी जो है वो भी शायद देश का पहला सॉफ्टवेयर होगा और उसको भी जो है मई के महीने में जो है माननीय मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बवेजा, आप स्टूडियोज में आए और काफी बेहतरीन जानकारी और खासकर इस योजना को लेकर जिसके बारे में अभी ज्यादा पता नहीं है आपने विस्तार से बताया। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले और एक बार इस योजना के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें। बहुत अच्छी योजना है, फार्मर्स को हम ट्रेंड करेंगे, FPOs के थ्रू ट्रेंड करेंगे और डेफिनेटली लोगों को जो है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जी, काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलेगा और पूरा प्रदेश जो है आने वाले समय में ऑनलाइन मंडीज जो है हो जाएंगी और हमारे प्रदेश को जो है पूरा देश फॉलो करेगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि फिलहाल अभी दो मंडियों को चुना गया है और इस जो सेकंड फेज है उसमें हमारी कई और मंडियां भी शामिल हो, 19 मंडियां शामिल हो चुकी हैं, 30 सितंबर तक 19 मंडियां हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो ऑलमोस्ट तैयारी पे है, तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है वो भी खुशी की बात यह है कि कृषि विपणन बोर्ड से ही शुरुआत हो रही है उसकी। वैसे तो एप्पल के प्लांट्स की प्रोक्योरमेंट डॉक्टर जेसी शर्मा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर HPMC के नोडल ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो जो मंडियों की जहां तक बात है, क्योंकि लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाली बात है वो मंडियों के थ्रू बेनिफिट मिलना है, ऑनलाइन मंडीज अगर हो जाती हैं तो डेफिनेटली फार्मर्स को जो है इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैंने आपको एफपीओ की बात बताई, मैं अपने सेक्रेटरीज को ट्रेंड करने के लिए भेज रहा हूँ, वो बहुत काबिल सेक्रेटरी हैं मेरे, तो डेफिनेटली जैसे ही वो आते हैं तो पूरे प्रदेश को जो है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी कोशिशें और कामयाब हो। इतनी बेहतर जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी और आप भी जागरूक रहें इस योजना के प्रति, यही हम आपसे कामना करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।